अरे भैया कैसे हो? नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर टू हिंदी से। और अगर आप यहां पे नए हैं तो ये है Asus का सबसे लेटेस्ट गेमिंग फोन ROG फोन 3। और आज मैं आपको दिखाऊंगा इसकी एक जबरदस्त सी तड़कती भड़कती अनबॉक्सिंग और आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। कोरोना का काल चल रहा है और बहुत ही जरूरी है हर एक चीज को सैनिटाइज करना, तो थोड़े छींटे मार देते हैं और साफ सफाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं फोन कैसा है। इसका जो ऑफिशियल बॉक्स है बड़ा ही मस्त सा है और बैक पे इस फोन का कोड वगैरह लिखा हुआ है। इसके अलावा जैसे हम बॉक्स को खोल के देखते हैं, अंदर आपको जो सबसे पहली चीज मिलती है वो मिलती है इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है वो, इसके लिए एक अलग सा ही अलग ही टाइप का कवर मिलता है, बहुत ही बढ़िया, उस पर रिपब्लिक ऑफ गेमर्स वाला डिज़ाइन बना हुआ है। इसके अलावा अंदर आपको मिलता है डॉक्यूमेंटेशन, सिम प्रोजेक्टर टूल और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर मिलता है ये फ़ोन, जो कि बहुत ही बढ़िया फिनिश के साथ आता है। इस बार इन्होंने ROG फ़ोन 2 के मुकाबले डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा और चेंज करा है और ये जो फ़ोन है फाइनली पिछली बार से और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो अब जो इसके देखने में फील और जो एक फील इन हैंड है वो और ज़्यादा बेटर हो गई है, तो इस चीज के लिए थम्स अप। बिकॉज लास्ट टाइम ऐसा था कि Asus वालों का ROG फोन 2 जो था वो बहुत बढ़िया था बट स्टिल लोगों को वो उतना सुंदर नहीं लग रहा था, पर इस बार ये फोन सही में सुंदर भी है काफी ज्यादा, तो वो चीज उन्होंने फिक्स कर दी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अंदर आपको और क्या मिलता है, तो अंदर आपको इसके लिए मिलता है एक फास्ट चार्जर जिससे आप इसको बहुत ही तेजी से चार्ज कर सकते हैं, और आपको मिलता है इसके लिए USB टाइप सी केबल। उनको हाथ में लेती सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो नोटिस करेंगे कि बिल्ड और डिजाइन कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। राइट हैंड साइड पर आपको मिलता है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर इसके लिए, और राइट हैंड साइड पे भी एक अलग से डेडिकेटेड माइक्रोफोन होल है, और आपको इसके लिए जो गेमिंग वाले ट्रिगर्स हैं वो मिलते हैं। इस बार इन्होंने एयर ट्रिगर्स को और ज्यादा बढ़िया कर दिया है, तो उसको आप 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट की मैपिंग्स में बांट सकते हैं। और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पर अलग से मिलते हैं फैन वगैरह लगाने के लिए जगह, जहाँ पे आप एक्सेसरीज वगैरह इसकी कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। बहुत ही सही मैकेनिज्म है और उसको एकदम सील भी कर रखा है छोटी सी एक्सेसरी की मदद से। और इसके अलावा जो इसके लिए केस जो मिलता है बहुत ही सुंदर सा केस है और मतलब बिल्कुल सही सही पार्ट्स पे इसको कवर करता है। टॉप पे एक और नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है, बॉटम पे आपको मिलता है इसके लिए USB टाइप सी पोर्ट, और इस बार सैडली इन्होंने 3.5mm जैक जो होता है उसको हटा दिया है। पर अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर ही USB-C टू 3.5mm जो कन्वर्टर होता है वो दे रखा है, तो आपको उतना ज्यादा इशू नहीं आएगा और आप आराम से मतलब इसको यूज कर पाएंगे। सामने आपको मिलता है इसके लिए बढ़िया वाला फ्रंट कैमरा, स्टीरियो स्पीकर सेटअप, बेजल्स जो है वो थोड़े से मैं कहूंगा कि आजकल के फोन्स के मुकाबले बड़े हैं, बट वो बनता भी है बिकॉज ये गेमिंग फोन है और सिर्फ इस पर वीडियोस थोड़ी देखनी, गेम भी तो खेलनी है, तो उस हिसाब से इसकी डिस्प्ले बहुत सही तरीके से बनी हुई है। मैक्सिमम वॉल्यूम जो जाता है इसके सामने वाले स्टीरियो स्पीकर सेटअप का वो काफी बढ़िया जाता है, मतलब काफी हद तक लाउड जाता है, और बिकॉज ये स्टीरियो स्पीकर सेटअप है तो कॉन्टेंट देखने के लिए या गाने इंजॉय करने के लिए काफी बढ़िया है। जिस पर डिस्प्ले दे रखी है 144 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले है, और अगर आप एक गेमर है तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि 144 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला ये पहला भारत में ऐसा स्मार्टफोन है, और 1 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। 6.59 इंच की एक बड़ी सी AMOLED पैनल है जो कि 10 बिट HDR प्लस को सपोर्ट करती है, और टच लेटेंसी एकदम 25 मिलीसेकंड तक कम है, और जो इसका टच सैम्पलिंग रेट है वो 270 हर्ट्ज है। तो मतलब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गेमर हैं तो ये आपके लिए एक ऑलमोस्ट ड्रीम फोन हो सकता है, बिकॉज गेमर को यही सब पैरामीटर्स तो अच्छे चाहिए होते हैं और ये उन पैरामीटर्स में बहुत आगे है। बाकी अगर मैं अपने इनिशियल हैंड्स ऑन से आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब अब तक तो बहुत ही सही एक्सपीरियंस लग रहा है मेरे को, और गेम्स वगैरह खेलने के लिए बहुत सही है। इसमें आर्मरी क्रिएट करके अलग से एक एक्सपीरियंस भी दे रखा है, और Asus वालों ने अलग से इसका एक AR अनबॉक्सिंग वाला एक्सपीरियंस दे रखा था, पर ना आपके पास उतना समय है ना मेरे पास उतना समय है, तो बढ़िया एकदम हमें जैसे बढ़िया लगा वैसे कर दिया, तो वो सब साइड रखते हुए थोड़ा साइड में हमने क्लिप भी चला दी, आप देख सकते हैं कि AR अनबॉक्सिंग कैसी थी। ठीक है, वो अपना मस्ती करने के लिए सही है, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको खेलना क्या होता है, पबजी में ऐसा हाई फ्रेम रेट मिलना वो भी इन सेटिंग्स पे बहुत ही कम फोन्स पे पॉसिबल है, और ये इस वजह से बिकॉज ये आता है Qualcomm Snapdragon 865 प्लस चिपसेट के साथ, और इसके अंदर 8GB रैम आपको मिलती है। ये शायद से पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि 3GHz से ऊपर की क्लॉक स्पीड पे जा रहा है। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला Pentium 4 वाला कंप्यूटर बनाया था तो उसकी भी क्लॉक स्पीड 3GHz नहीं
नहीं जा रही थी। 6000 mAh बैटरी है पहले जैसी ही, और किसी और फ्लैगशिप फोन में इतनी बड़ी बैटरी नहीं होती है, बट इन्होंने दी है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिकॉज अगर आप दबा के गेम खेलेंगे तो दबा के बैटरी भी तो ड्रेन होती है। तो 6000 mAh बैटरी नॉर्मल यूसेज के लिए तो आराम से 1.5 से 2 दिन आपके लिए चल ही जाएगा, बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गेमर है तो हाँ भाई आप चूस लेंगे इस बैटरी को अच्छी तरीके से। इसके अंदर जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 स्टोरेज है। पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अलग से वेंट भी दे रखा है इसको कूल करने के लिए। बाकी जो इसकी बहुत हैवी वाली डिटेल्स है और एकदम खतरनाक वाली टेस्टिंग है वो आएगी हमारे फुल रिव्यू में, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में। अभी मैं आपको एक इनिशियल ब्रीफ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये किस लेवल तक जा सकता है। ये 4K HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और ये 8K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। और इसके बारे में और भी जो खामियां हैं, खूबियां हैं, और कहीं पे अगर जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो सब अगर आपको जानने हैं तो अंत तक टिके रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे वो एक छोटा सा लाल सा बटन है उसको एकदम बढ़िया ग्रे कर दीजिए, और नीचे एक छोटी सी घंटी है उसको श्रद्धालुओं के बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।